So I am covering brief in about history, the generations of CT scan, and I will tell about the most important technology which is being used right now, that is the Helicobacter spiral CT scan, and various applications of CT scan which will involve through contrast scan, multiphasic CT scan, and perfusion and dual energy CT scans. So how much, जैसे हम आप जानते हैं मैडम ने कहा कि हम मिक्स्ड लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, मे बी इससे मैसेज ज्यादा अच्छा कन्वे होगा. तो सीटी स्कैन का जो सबसे है, सीटी स्कैन आल्सो एम्प्लॉयज एक्सरेस एंड एक्सरेस ऑलरेडी देयर. तो डिफरेंस इज इवन दो इट एम्प्लॉयज एक्सरे, द मेथड ऑफ इट्स एप्लीकेशन इज अ डिफरेंट. इट इज इन द नॉट इन द प्रोजेक्शन मैनर, इट इज इन टोमोग्राफिक. एंड व्हाट इज टोमो? टोमो मींस स्लाइस, हम कट करते हैं बॉडी में. एक्सरे में प्रोजेक्शन होती है, एक एक्सरे बीम जाती है, प्रोजेक्ट करती है और आपके पीछे एक जो शेडो बन रही है वो प्रोजेक्शन आ जाता है. एक्सियल, इसमें सेक्शनिंग क्या होती है, एक्सियल सेक्शंस होते हैं कट. तो इसी टोमो वर्ड से सीटी स्कैन का बना है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी. जो कंप्यूटेड वर्ड है उसमें टोमोग्राफी इज हाउ वी डू एंड कंप्यूटेड इज हाउ वी कैलकुलेट द इमेजेस. तो एक्सरे में जो एनालॉग फिल्म थी उसमें सीधे शेडो पड़ी, इमेज क्रिएट हो गई. सीटी स्कैन में शेडो पड़ने से इमेज नहीं क्रिएट होती, उसको मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है. इसी वर्ड का है मतलब कंप्यूटर. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पहले जमाने में थी वो फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन थी. अब और भी टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन वगैरह आ रही है, बट उसमें कंप्यूटेड वर्ड इंपॉर्टेंट होगा. सिर्फ प्रोजेक्ट कर देने से, शेडो बनने से इमेज नहीं बनती है, आपको स्लाइस काटना है और उसको ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन करना है. और इसमें बहुत सारी इमेज देनी पड़ती है, लार्ज सेट ऑफ 2D एक्सरे इमेजेस हैव टू बी ऑब्टेन टू सक्सेसफुली रिकंस्ट्रक्ट in a good manner the images. So, just a brief about who invented this. So, X-ray के हमारे जनक विलियम कॉनराड रोंजन साहब थे 1895 में, और हमारे CT के हैं सर गॉडफ्रे हाउंसबीट. ये ब्रिटेन के थे, यूके के हैं. ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, EMI नाम की कंपनी में काम करते थे, और इनको सबसे पहले आइडिया आया कि जो एक्सरेज में उतनी अच्छी इमेज नहीं आती है, एग्जैक्टली नहीं पता चलता क्योंकि प्रोजेक्शन मेथड है, तो क्या साफ इमेजेस के लिए टोमोग्राफी इस्तेमाल की जा सकती है. ये काम इन्होंने शुरू किया था 1967 में, सुबह मॉर्निंग वॉक करना शुरू किया हुआ था कहीं पे, कहीं जा रहे थे, वहां उनके दिमाग में आया. डेवलप करते करते 1972 तक इन्होंने एक मॉडल खड़ा कर दिया. इनको नोबेल प्राइज मिला इस बात के लिए, जो कि बहुत बड़ी एडवांसमेंट थी मेडिकल फील्ड में. बट साथ में एक पैरेलल में एक कॉर्मैक साहब भी काम कर रहे थे टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में US में, तो इन दोनों को मिला के नोबेल प्राइज दिया गया. तो इसमें फिर सीटी की डेवलपमेंट पे एक नजर मारना जरूरी है. तो सीटी की जनरेशन का मतलब होता है किस ऑर्डर में मशीनें आई, पहले कौन सी आई, फिर दूसरी कौन सी आई, आज कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका एक ऑर्डर है, न्यूमेरिकल ऑर्डर बना रखा है. और मेन जो इसमें चीज इसको ध्यान रखने में, हम कैटेगराइज करने में इस्तेमाल करते हैं कि उसमें कंपोनेंट्स में क्या डेवलपमेंट हुआ. तो कंपोनेंट्स एक्सरे ट्यूब हो गई, आपका डिटेक्टर सिस्टम हो गया, या उसमें जो सिटिलेशन क्रिस्टल वगैरह है, वो सब की चीज इंपॉर्टेंट होगी. और उससे भी इम्पोर्टेंट है कैसे मोशन होता है डिटेक्टर एक्सरे ट्यूब का, उसको बहुत ध्यान रखा गया. तो जो फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैन है, बिल्कुल सिंपलेस्ट मॉडल, ये एक्सरे ट्यूब आप देख रहे हैं बनाया हुआ, उसमें रेज निकल रही है. सामने देखिए डिटेक्टर, सिंगल डिटेक्टर इस्तेमाल हुआ है, बीच में आपका पेशेंट है और ये सामने बीम लेगा. तो ये बीम जो है इसको पेंसिल बीम है, पतली बीम है, इसको कहते हैं पेंसिल बीम. डिटेक्टर सिंगल या बहुत बाद में किसी ट्यूब इस्तेमाल किया था. दूसरी बात एक्सरे ट्यूब का मोशन, ये एक्सरे ट्यूब जैसे इस बॉडी का इमेज काट रही है, पहले यहां पे है, नेक्स्ट पोजीशन में यहां से यहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, सीधे रेखा में जाएगी, इसको कहते हैं ट्रांसलेट मोशन. जब यहां से आए ये दोनों सेक्शन ले लेगी और पूरा बॉडी क्रॉस कर जाएगी, तब इसमें एक गोलाकार यानी रोटेशन मेथड होगा. तो पहला हुआ ट्रांसलेशन और फिर होगा रोटेशन, तो ट्रांसलेट एंड रोटेट. और इसके बाद इसका पूरा बॉडी का एक स्लाइस अखबार करने में इसको 5 मिनट लग जाता था. और पहली इमेज बनी है ब्रेन के लिए, वो देखिए आगे इमेज में ब्रेन के लिए क्यों बनी है. एक वाटर बाथ इस्तेमाल होता था, इस वाटर बाथ के अंदर हम सेट डालते थे, तो ये ब्रेन की ज्योमेट्री के हिसाब से वाटर बाथ बनाया हुआ था. तो ब्रेन के अलावा आप कुछ और एक्वायर नहीं कर सकते थे, जो गैंट्री वगैरह का साइज वैसे ही था कि ब्रेन के अलावा कुछ और एक्वायर नहीं कर सकते. फिर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया कि
नॉइज बहुत ज्यादा आती थी, नॉइज का हिसाब किताब नहीं रह पाता था अलग अलग पेशेंट्स में, तो एक रेफरेंस डिटेक्टर ला के एडवांसमेंट फर्स्ट जनरेशन में हुआ, एडवांसमेंट हुआ। लेकिन देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स कितने पड़ते हैं, लगभग 30,000 स्टेप्स करने पे, यानी इतने मोशन होते थे, एक ट्रांसलेट हुआ, ट्रांसलेट हुआ, फिर थोड़ा रोटेट हुआ, फिर ट्रांसलेट हुआ, फिर रोटेट हुआ, ये सब करते करते पूरे बॉडी के बनाते 30,000 एक इन्वॉल्वमेंट था मूवमेंट का। और ग्रे स्केल भी बहुत कम था, आजकल ग्रे स्केल अप टू 56 से कम किसी भी चीज पे इस्तेमाल नहीं करते, तब ग्रे स्केल लगभग 8 था, यानी ग्रे जो कंट्रास्ट है आपका बहुत कम ही आप पता कर सकते, ये देखिए नॉइजी कितनी इमेज होती है। और उसके बाद एक्वायर करने के बाद रात भर छोड़ देना पड़ता था, तब सुबह इमेज मिलेगी, आपकी कंप्यूटर की कैपेसिटी थी नहीं उस वक्त, तो रात भर प्रोसेसिंग होगी तो सुबह आपको इमेज देखने को मिलेगी। ये ट्रांसलेट मोशन दिखाया लीनियर में, फिर एक बार ट्रांसलेशन पूरा हो गया तो फिर थोड़ा सा रोटेट हो, फिर उसका फिर रोटेट ट्रांसलेट हो जाएगा। सेकेंड जनरेशन में इसी बात को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ा दिए, तो लगा दिया गया 25-30 डायरेक्टर लगा दिए गए। और एक्सरे ट्यूब जो है उसकी अब पेंसिल बीम की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा वाइड बीम होना चाहिए तभी सारे डिटेक्टर पे हिट करेगी रेस, तो आपकी बन गई फैन बीम बन गई। ये फैन बीम क्योंकि सिर्फ 30 डिटेक्टर के लिए थी, ज्यादा चौड़ी नहीं थी, उसको कहते हैं नैरो फैन बीम। और डिटेक्टर का नंबर लगभग 30 हो गया, अब ये 30 टाइम्स कम मूवमेंट करना पड़ रहा है, तो 30 डिटेक्टर हो गए एक से बढ़ के, 30 टाइम्स कम हो गया, उससे आपकी स्पीड फास्ट होगी, लगभग 20 सेकंड में आपकी इमेज बनने लगी। ये है सेकंड जनरेशन ऑफ सीटी स्कैन। जो थर्ड जनरेशन आया उसमें ट्रांसलेट रोटेट अभी तक चल रहा था, अब सिर्फ रोटेट चलेगा, ट्रांसलेट वाला जो मूवमेंट लीनियर मूवमेंट तक खत्म हो गया, अब एक्सरे ट्यूब डिटेक्टर सिस्टम सिर्फ गोल घूमे, तो ये हो गया रोटेशन, रोटेट ट्यूब भी रोटेट करेगी और डिटेक्टर भी उसी से सिंक्रोनाइज होंगे, उसी से कपल होंगे और साथ में रोटेट करेंगे। और नंबर ऑफ डिटेक्टर्स बढ़ा दिए गए, नंबर ऑफ डिटेक्टर्स में 500, जब 500 ये हो गए तो 30 से 500 यानी 20 गुना जंप हो गया, तो जो बीम है उसको और वाइड करना पड़ा, तो बीम हो गई आपकी फैन बीम है जो कि वाइड फैन बीम है। और डिटेक्टर्स 500 क्योंकि आप एक्टिव रखते थे तो 100 इधर उधर लेते, मान लीजिए थोड़ा इधर उधर कहीं मिसअलाइनमेंट हो जाए बीच में, करीब 600 डिटेक्टर्स आप इस्तेमाल करते थे। सिंटिलेशन क्रिस्टल्स वगैरह में इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ लोगों ने ज़ेनॉन गैस का इस्तेमाल किया आपको सिंटिलेशन के लिए, और कुछ ने सॉलिड स्टेट सिंटिलेशन क्रिस्टल इस्तेमाल किए। स्कैन टाइम बहुत कम हो गया, अब लगभग 5 सेकंड में एक इमेज पूरी आती है। फिर फोर्थ जनरेशन सीटी स्कैन आया, इसने चेंज कर दिया सिस्टम, इसने जो रिंग अभी 500-600 की हुआ करती थी, इसने पूरी रिंग कंप्लीट कर दी, रिंग हो गए 2000, रिंग में डिटेक्टर हो गए 2000, और इस रिंग से नीचे करके एक्सरे ट्यूब अंदर कर दिया। अब सिर्फ एक्सरे ट्यूब रोटेट करती है और जहां भी इसकी भीड़ पड़ती है वो डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाता है। तो ये फोर्थ जनरेशन, इसमें बेसिकली इंप्रूवमेंट किया गया, आपकी एक्सरे सिस्टम को उससे डीकपल कर दिया गया आपके जो डिटेक्टर सिस्टम से, डिटेक्टर कंप्लीट बना दिया गया, उसको रोटेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी एक्सरे ट्यूब रोटेट करेगी। इससे फायदा हुआ कि ये टाइम जो मोशन के आपको हिसाब किताब कम रखना पड़ा, सिस्टम थोड़ा लाइट हो गया, तो आपका 2 सेकंड के अंदर एक इमेज बनने लगी, जो इमेज में बता चुका लगभग वही है। फोर जनरेशन तक तो हर जगह स्टैंडर्ड मिल जाता है, इसके बाद से थोड़ी बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो उनको एग्जैक्टली पहले की में फिट नहीं होती है, बट मोस्ट ऑफ टाइम में थर्ड जनरेशन में कहीं इंप्रूवमेंट है ज्यादातर। एक नई चीज आई है जो सबसे अलग है, वो है फिफ्थ जनरेशन सीटी स्कैन, ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट आज जितना हम कार्डिक सीटी करते हैं, ये सारा का सारा कार्डिक सीटी इसी EBCT की जो टर्मिनोलॉजी है और उसी के अगेंस्ट कंपेयर करके होता है, मतलब आज इस्तेमाल नहीं हो रही EBCT कहीं भी प्रैक्टिकली कमर्शियल लेवल पे पेशेंट्स के लिए, रिसर्च में कहीं हो रही होगी, बट जो कार्डिक सीटी हम जितना पढ़ते हैं कि एडक्शन स्कोर 400 होगा, 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसमें पेशेंट का में मतलब कार्डिक इवेंट हो सकता है नहीं हो सकता, जो भी पढ़ते हैं, इसकी जो डाटा कलेक्ट हुआ था वो EBCT से हुआ था, इलेक्ट्रॉन बीम सीटी स्कैन। इसमें क्या हुआ, सिस्टम कर दिया उन्होंने, एक्सरे ट्यूब जो आपकी है वो चेंज कर दी, अब एक पूरा रिंग बना दिया उन्होंने जिसमें इलेक्ट्रिकल जो आपका इलेक्ट्रॉन करंट उसको हिट करेगा, मतलब सारी पूरा रिंग ही एक एक्सरे ट्यूब हो गई, जो रिंग है बाहर की, एक्सरे ट्यूब अलग से नहीं है, तो रिंग एक्सरे ट्यूब है, इलेक्ट्रॉन की बीम को स्टीयर करते हैं, अलग अलग पॉइंट पे हिट करेगी, जहां जहां हिट करेगी वहां से एक्सरे प्रोड्यूस होगी, तो इलेक्ट्रॉन बीम सीटी, क्योंकि एक्सरे का प्रोडक्शन और उसकी एक्सरे ट्यूब मैकेनिकल पार्ट है, उसको मूवमेंट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन बीम करने में टाइम नहीं लगेगा, तो टाइम फास्ट हो गया, यानी 50 मिली सेकंड के अंदर आपका इक्वेशन शुरू हो गया।
तो फास्ट में सबसे ज्यादा कहाँ चाहिए आप सब लोग, सीटी स्कैन और एक्सरे में नॉर्ड है, सबसे ज्यादा फास्ट में जो चाहिए, जो सबसे तेज आपका स्ट्रक्चर मूव कर रहा हो। तो रेस्पिरेशन एक है, रेस्पिरेशन में 14 रेस्पिरेशन पर 1 मिनट लेते हैं, और हार्ट में 72 बार हम ब्रीथ वो करते हैं, हमारा कार्डियक सिस्टोल और डायस्टोल वाला इवेंट होता है। तो सबसे ज्यादा मोशन हमारा कार्डियक इवेंट, तो सबसे ज्यादा हमें फास्ट करने का फायदा कहाँ हुआ, कार्डियक सीटी में। इसलिए एबीसीटी एक ही जगह काम आया, वो है कार्डियक सीटी में। इसमें आपका 50 मिली सेकेंड स्कैन टाइम आती है, जो आज हमारे अच्छे से अच्छे सीटी स्कैनर नहीं दे पाता है। तो ये है फिफ्थ जनरेशन सीटी स्कैन। इसकी जो ज्योमेट्री डिस्क्राइब करनी होती है, कहते हैं स्टेशनरी, से ट्यूब स्टेशनरी है, डिटेक्टर भी स्टेशनरी है, बस इलेक्ट्रॉन भी मूव करती है, स्टेशनरी स्टेशनरी ज्योमेट्री। ये इलेक्ट्रॉन गन है, देखिए ये स्टीयर किया, अभी नीचे हिट गया है, यहाँ एक्स प्रोड्यूस होंगे, फिर यहाँ हिट कर देंगे, अगर स्टीयर कर देंगे तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा एक्स, फिर यहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो ये पूरा इसी में डिटेक्टर रिंग बनी है, और यही एक्सेस सिस्टम बन गया आपका। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज हर जगह इस्तेमाल हो रहा है कमर्शियली, लगभग हर जगह एलवे सेंट्रल बहुत पेरिफेरी में जो पुराने सीटी स्कैनर हैं पड़े हुए थर्ड जनरेशन के, उसको अगर हटा दे तो सब जगह स्पाइरल सीटी इस्तेमाल होता है। इसमें क्या हुआ, एस्टेट ट्यूब जो आपकी है तो अपना मूवमेंट कर ही रही है, और आपका साथ में जो डायरेक्टर कपल है उसके साथ वो मूव कर रहा है, लेकिन असली मूवमेंट हो रहा है, एक नई मूवमेंट हो रहा है, वो ट्रांस उसका टेबल का। टेबल का मूवमेंट पहले भी होता था जब नेक्स्ट स्लाइस अक्वायर करना, पर प्रॉब्लम क्या थी या जो डिफरेंस क्या है कि जब वो टेबल मूव कर रही है तब आपका आता है आपका एक्सेस सिस्टम ऑन नहीं रहेगा, यानी एक्सेस पहले ऑन ट्यूब चलेगी, इमेज अक्वायर होगी, उसके बाद स्टॉप, जब इमेज बंद हो जाएगी तब टेबल मूव करेगी, फिर अगली बार फिर से क्वेश्चन होगा, फिर टेबल मूव करेगी। तो ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ टेबल एक्सेस ट्यूब आपकी ऑन नहीं रहेगी। स्पाइरल सीटी स्कैन में जब टेबल मूव कर रही है तो कंटिन्यूअस एक्सेस चलेगा, यानी एक्सेस ट्यूब आपकी ऑन रहेगी जब तक पूरी इमेज स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आनी होती है। तो आप समझिए कि अगर सिंगल पॉइंट करेंगे तो आप सर्कल बनेंगे, और सिंगल पॉइंट में अगर मूवमेंट करते जाएंगे तो वो स्प्रिंग बन जाएगा, यही स्पाइरल मूवमेंट, ये स्पाइरल सिफ्ट स्कैन होगी। साइमल्टेनियस रोटेशन ऑफ द सोर्स एंड टेबल मूवमेंट होगा एंड डाटा एक्विजिशन होगा। इसमें क्या, डाटा जो कलेक्ट हुआ है एक्सेल स्लाइस में नहीं होता है, डाटा का मैथमेटिकली वॉल्यूम में कलेक्ट होता है। ठीक है भाई, वॉल्यूम क्या है, अगर आप टिन प्ले पड़े हुए, अगर प्लेट्स पड़ी हुई है सिंगल है तो एक्स और वाई एक्सेस है उसका, उसके अंदर बहुत सारे प्लेटें डालते हैं, एक वॉल्यूम बन गया, एक्स वाई और जेड तीनों चीज आते हैं। तो डाटा आपका आ रहा है वो एक्सेल नहीं हो रहा है, एक वॉल्यूम में आता है। तो ये जो मैं बात कर रहा था, सिर्फ ट्यूब और उसका मूवमेंट तो डिक्शन तो राउंड है, पर बीच में टेबल मूव करके तो वो राउंड, पहले इसको यहाँ हिट किया, अब वर्चुअली वो किसी और पॉइंट पर हिट करेगा, वर्चुअली किसी और पॉइंट पर हिट करेगा, स्टार्ट किया था हेड के पास से, करते करते आप पहुंच गए पैर के पास, और कंटिन्यूस ट्यूब ऑन है, तो ये क्या बना है, स्प्रिंग या स्पाइरल बन गया। इसीलिए इस जनरेशन सीटी स्कैन को कहते हैं स्पाइरल सीटी स्कैन, और एस फॉर स्पाइरल एंड एस फॉर सिक्स जनरेशन। तो आपका सिक्स जनरेशन जो आज हम सारे सीटी स्कैन इस्तेमाल करते हैं वो सिक्स जनरेशन। तो इसके इसने सब सिस्टम को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी खासियतें। तो पहली खासियत है कि स्पीड, अब आपकी मशीन का रुकती नहीं, मतलब इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट तक जब तक खत्म नहीं होता, यानी वन ब्रेथ होल्ड में आप पूरी बॉडी का मोस्ट ऑफ द पार्ट, जैसे एब्डोमेन है वन ब्रेथ होल्ड में कवर कर लिया है, चेस्ट है वन ब्रेथ होल्ड में कवर कर लिया, आपने 30 सेकंड में तक ऑन रहती है यूजली ट्यूब से, और उसमें आप एक्विशन कर लेते हैं, तो टाइम ऑफ एक्विशन टोटल 1 ब्रेथ होल्ड बचा, 30 सेकंड 40 सेकंड से ऊपर हमारा कोई भी स्कैन होता नहीं। इम्प्रूव डिटेक्शन, कई बार छोटे लीजन होते थे, अगर मान ली सब सेंटीमीटर लीजन है तो पहली सेक्शन लिया है आपने, किस टेबल पोजिशन, अगली टेबल पोजिशन उससे 10 मिलीमीटर या 6 मिलीमीटर 5 मिनट तो दूर होगी, तो लीजन अगर छोटा है तो उसका वो बीच में दोनों एक्विशन के बीच में पड़ा हो और आपको दिखेगा, तो मिस हो जाते थे। अब क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कभी ना कभी स्कैन ना किया गया हो, कोई ऊपर से कोई स्कैन किया गया है, कोई साइड से स्कैन किया है, कोई नीचे से स्कैन किया, कोई ऊपर से, हर डाटा कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक बार तो कम से कम कलेक्ट किया गया, तो छोटे लीजन से वो मिस नहीं होते। दूसरा, मिस रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। पहले क्या होता था कि एक्सेल स्लाइस में सांस पेशेंट खींच ली अंदर, तो वो पहले पॉइंट में भी दिख रहा है, फिर अगले पॉइंट जब तक सेकंड एपिशन का टाइम है उसे सांस छोड़ दी तो वो नीचे वाले पॉइंट में दिख रहा है, आपको दो लीजन दिख रहे हैं, छोटा लीजन है तो आपको लगेगा दो है, बड़ा लीजन तो ब्लड दिखेगा, तो मिस रजिस्टर्ड हो जाता था डाटा। अब इतना फास्ट स्कैनिंग हो गई है तो इस ब्रेथ होल्ड के बीच में वो मिस रजिस्टर्ड नहीं होता, और डाटा आपका वॉल्यूम में, तो कहीं भी कहीं गड़बड़ आया भी तो इंटरपोलेशन टेक्टिक से हम उसको सही जगह पर नहीं पहुंचा देते हैं, तो आपका मिस नहीं करता, मिस रजिस्ट्रेशन नहीं होता सबसे बड़ा पार्ट।
फिर कंट्रास्ट इंप्रूव कर गया। कंट्रास्ट हमारी टाइमिंग पहले क्या कर सकते थे भाई, कंट्रास्ट को तो जो ब्लड सर्कुलेशन है उसी हिसाब से चलना है, हमारी मशीनें स्लो थी, तो हम कंट्रास्ट की टाइमिंग आर्टेरियल फेज में स्टार्ट किया, जब तक हमारे पेशेंट आर्टेरियल फेज का खत्म होता तब तक वो वीनस फेज आ गया। अब हमारी मशीनें फास्ट हो गई हैं, तो आर्टेरियल फेज आप अलग अक्वायर कर सकते हैं और वीनस फेज अलग अक्वायर कर सकते हैं, कंटामिनेशन नहीं होगा। इससे आपका कंट्रास्ट की मेजर इंप्रूव कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं टोटल वीनस फेज में तब, या टाइम कर रहे हैं आर्टेरियल मल्टीफेसिक कर रहे हैं टोटल कर रहे हैं, या और लेट इक्विलिब्रियम फेज में कर रहे हैं, तीनों मेज अलग अलग आएंगे, मिक्सिंग नहीं। पहले आर्टेरियल स्टार्ट किया और लास्ट तक आते आते हेपाटिक मेजर तक पहुंच गए तो मिक्सिंग हो जाती थी, अब वो नहीं रहेगी, तो कंट्रास्ट आपका इंप्रूव कर गया। उसके बाद क्योंकि हम डाटा वॉल्यूम में अक्वायर करते हैं, जब चीजें हमारे पास डाटा सेट ज्यादा है वॉल्यूम में है, तो रिकंस्ट्रक्शन आपका 3D इंप्रूव कर जाएगा। आप लोगों ने बहुत सारे मैनिपुलेशन पहले पुराने जमाने में कैसा लोग सीटी स्कैन करते होंगे, कई बार मार्केटिंग का क्रोनल कर दीजिए, इसका वीनस क्रोनल रिकंस्ट्रक्शन कर दीजिए या कुछ कर दीजिए, तो डाटा हमें लगता था बीच में टुकड़ों में बटा हुआ, क्योंकि डाटा कंटिन्यूस अक्वायर ही नहीं होता था, स्टिचिंग टाइप की होती थी, एक इमेज ये आता है एक इमेज ये स्टिचिंग करी हुई है वो कभी लाइन में नहीं आता था। अब क्योंकि डाटा वॉल्यूम में है तो आपका 3D जो बनती है सबसे बढ़िया बनती है, लगता ही नहीं कि टूट फूट है, कहीं अलग अलग है, कहीं बॉर्डर से ज़िगज़ैग है, नहीं होता। तो सबसे बड़ा फायदा में 3D हुआ, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर 3D में, हमें कई बार समझना पड़ता है एनाटॉमी। अब आर्टरी में है एक कैल्सिफिकेशन, एक बार इधर दिख रहा है वॉल में, फिर कोई और दिख रहा है, रिमॉडलिंग हो रही है या किसी भी चीज में दिख रहा है 3D, हार्ट का है चैम्बर्स कहीं आए हुए हैं, तो हमें 3D भी समझ में, हार्ट का एनाटॉमी है किसी प्लेन में है नहीं, अलाइंड बिल्कुल अलग प्लेन में, ऑब्लिक प्लेन में, तो ये सब चीजें आपका वॉल्यूम होता है तो आप अपने हिसाब से रोटेट कर लेते हैं, तो इसका इंटरप्रिटेशन बहुत फर्क पड़ता है। चौथी बात है कि जेड एक्सेस में आपका रिजोल्यूशन बढ़ गया, क्योंकि जेड एक्सेस में मूवमेंट टेबल का साइमल्टेनियस होता है और डाटा एक्विजिशन हो रहा होता है, बीच में छूट नहीं है, कोई कोलिजन मिस नहीं होगा, तो जेड एक्सेस जो कहते हैं यानी एक्स और वाई एक्सेस सेक्शन पहले नोन थे, जेड एक्सेस तीसरा सेक्शन आया वो जेड हो गया और इसमें स्पेशल रिजोल्यूशन हमारा बहुत इंप्रूव कर गया। अब इन सबको एडवांटेज के लिए एक, क्योंकि हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड बैठे हुए हैं तो एक बार ध्यान रखना, ऐसा क्या हुआ कि स्पाइनल सीटी स्कैन जो पहले क्यों नहीं बन पाया, भाई पहले बना लेते अगर इतना चीज था तो पहले बना लेना चाहिए, 20-25 साल 30 साल लग गए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग सोल्यूशन लाने पड़े चीजों के। पहले क्या था, जब आपके एक डाटा एक ही बार में क्यों होता था, क्योंकि साथ के केबल मोटी मोटी केबल होती थी, तो जब एक्सरे और डिटेक्टर सिस्टम रोटेट करता था तो केबल उसके रोटेट होकर घूम के फंस जाती थी, अगला में बीच में आपको टाइम देना पड़ता था अनरोटेट हो, तो केबल सिस्टम बंद की होती थी, अपने डिटेक्टर और उससे एक बिल्कुल वायर जा रही होती थी, रोटेशन हुआ तो केबल आ गया कहीं ना कहीं आके फंस गई, अब उसको अनरोटेट करिए पहले वापस, फिर टेबल मूव करिए और फिर एक्वायर करिए, इस चीज को हटाए स्लिपनिंग ने, आगे शायद और थोड़ा बात होगी। फिर है एक्सरे ट्यूब्स, एक्सरे ट्यूब्स वन जो पुराने जमाने में बनी थी, एक्सरे ऑन किया शूट किया बंद कर दिया, जब तक नया पेशेंट लाया नया पोजिशन बनाया उसका तब तक वो ठंडी हो गई, हमने एक्सरे अगला एक्सरे कर लिया, इसमें आपकी एक्सरे ट्यूब कंटिन्यूस ऑन होनी है, एक्सरे ट्यूब ऐसी बनी नहीं थी, पहले सारा सिस्टम एक्सरे के हिसाब से इंजीनियरिंग चल रही थी, बनी नहीं थी ऐसे एक्सरे ट्यूब जो कंटिन्यूस ऑन रहे, और इसलिए उनकी जो KHU और जो इसकी हीट स्टोरेज कैपेसिटी है और हीट डिसिपेशन कैपेसिटी उनकी ट्यूब्स की बहुत कम रखी जाती थी, तो उनके सॉल्यूशन लाने पड़े कि भाई एक्सरे ट्यूब कंटिन्यूस ऑन रह सके, ठंडी रहे, इतनी ज्यादा गर्म ना हो कि वो खराब हो जाए चले ना। और तीसरा बात है कि डाटा बहुत ज्यादा आने लगा, इस डाटा को मैनेज करने के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को इम्प्रूव करना पड़ा और उसकी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करना पड़ा, क्योंकि डाटा एक तो देखिए कि सारा एक ही पॉइंट पर हर 360 डिग्री में अक्वायर नहीं करते हैं, एक पॉइंट मैक्सिमम 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री से ज्यादा कई बार अक्वायर नहीं करते, डिपेंडिंग ऑन द पिच, तो बीच का डाटा जो मिसिंग है उसको इंटरपोलेशन एल्गोरिथम कराना पड़ा हमें। थोड़ा सा और बात करते हैं स्प्लिट लेवलिंग टेक्नोलॉजी, ये एक कैलेंडर साहब है इन्होंने बनाया था, दीज आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस, दीज आर सर्कुलर इलेक्ट्रिक कंडक्टिव रिंग्स एंड ब्रशेस, तो ब्रशेस से कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है आपके, एक रिंग बनी हुई है जिसमें ये सिस्टम मूव करता है और जहां टच करे ब्रश वो कॉन्टेक्ट ऑन है, जहां से मूव कर गया वो ऑफ हो गया सिस्टम, तो ऑन ऑफ स्विच उसमें ब्रशेस के मूवमेंट से ही बनी, तो इससे फायदा क्या हुआ, मूवमेंट हो रहा ब्रश का और डिटेक्टर मूव कर रहा है, इक्वेशन भी ऑन है और ये मूव कर रहा है, यानी दे कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी अक्रॉस अ मूविंग इंटरफेस, और पावर एंड कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द स्टेशनरी पार्ट्स ऑफ द स्कैनर सिस्टम आर कम्युनिकेटेड टू द रोटेटिंग फ्रेम थ्रू स्लिप रिंग, एंड दे अलाउ द स्कैन फ्रेम टू रोटेट कंटिन्यूअसली विद नो नीड टू स्टॉप बिटवीन रोटेशंस टू रीवाइंड द सिस्टम केबल्स। देखिए ये ब्रश है यहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं है, ये घूमने घूमने दीजिए,
आपकी करंट सप्लाई जिस पॉइंट पे वो नहीं है उस पर टच करेगा, उस पर ऑन रहेगा, फिर इस पर ऑन हो जाएगा, फिर इस पर ऑन हो जाएगा। हाई थर्मल कैपेसिटी, जैसे बताया कि पहले वाली कि लो हीट और स्लो स्कैन होते थे उसमें, अब हमने इसे ऑयल कूलिंग सिस्टम डाल दिया, थर्मल सिस्टम है, तो उससे उसकी हीट स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई। जिस पेशेंट्स के लिए हमने बढ़िया फैंस वगैरह लगा दिए, कूलिंग सिस्टम बढ़ा दिए कि डिसिपेट हो जाए हीट, नाउ द ट्यूब्स कैन विदस्टैंड मच हायर थर्मल लोड एंड दे कैन ऑपरेट कंटिन्यूअसली। साथ में जो ट्यूब्स हमने बनाई उसमें इंसुलेटर सिस्टम इंप्रूव कर दिया, और सेरामिक इंसुलेटर्स आ गए, ऑयल कूलिंग और बियरिंग हो गई, और जो उसका मेटल एनवेलप था वो पूरा मेटल का कर दिया, कॉम्पैक्ट मेटल एनवेलप कर दिया। इससे इनकी लाइफ ट्यूब इन सिस्टम में सिटी स्कैन सिस्टम पहले 1000, 2000, 3000 आवर्स चलने के बाद ही खराब हो जाती था, 10,000 आवर्स तक चल सकती है, या नंबर ऑफ स्कैन आप बढ़ा सकते हैं। और कैलेंडर ने ही स्लिपरी टेक्नोलॉजी बनाई थी, उन्होंने एक इंटरपोलेशन मैथमेटिक्स का जो काम था वो भी नहीं था, इंटरपोलेशन एल्गोरिथम कि बीच में कोई डाटा मिसिंग है तो इंटरपोलेट करके उसको आप फिल कर दीजिए, और इमेज में मोटिवेटर देख जो विजुअली देखने में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरलैपिंग सक्शन कैन जनरेटेड बाय मैस एंड नॉट बाय डायरेक्ट एक्सन बाय बीम, इससे जेड एक्सेस आपका इंप्रूव हो गया, बट डोज इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी इमेजिंग भी फास्ट होगी। फिर आज 6th जनरेशन के बाद 7th जनरेशन आ गया। 7th जनरेशन पे इसके लिए MDCT हो गया, यानी मल्टी डिटेक्टर, या अगर अगर डिटेक्टर लेवल पे बात करें तो मल्टी डिटेक्टर हो गया। नंबर ऑफ स्लाइसेस एक्वायर्ड बात करें तो मल्टी स्लाइस हो गया, या फिर से डिटेक्टर बात करें तो रोज बेसिकली मल्टी रो ऑफ डिटेक्टर्स बन गया। इसमें क्या पहले कितनी भी टेक्नोलॉजी थी, चाहे 2 डिटेक्टर थे, 550 डिटेक्टर थे, या 2000 डिटेक्टर थे, ये रहते एक ही रो में थे, यही रो कंप्लीट एक रो के थे। अब इस रो के बाद एक और रो आ गई, फिर एक और रो आ गई, फिर एक और रो, तो नंबर ऑफ रोज आपके बढ़ रहे, तो ये नंबर रोज आपके डिसाइड करते हैं सीटी स्कैन का नाम। अगर 4 स्लाइस है, सिर्फ 4 स्लाइसेस में 1, 2, 3, 4, तो 4 स्लाइस सीटी स्कैन कहेंगे। अगर 32 है, 32 स्लाइस, 64 है, 64 है, ऐसे ही बढ़ाते जाइए। कुछ लोगों ने साथ में मैथमेटिकल इंटरपोलेशन से उसका लगभग डबल कर लेते हैं, कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं कि 64 होते हुए भी 128 कहलाते हैं, तो मल्टी स्लाइस MS, उनका स्लाइस इक्वेशन 128 हो गया, डिटेक्टर 64 रह गया, बट मेन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है वो डिटेक्टर के रोज बढ़ रहे। दूसरा एक इसी इमेज में देख लीजिए कि सारे डिटेक्टर्स, कुछ मशीन में सारे डिटेक्टर साइज बराबर होता है, कुछ मशीन ऐसे होती है अडाप्टिव होती है जिसमें कुछ डिटेक्टर बड़े होते हैं, कुछ डिटेक्टर छोटे होते हैं, तो उनके स्लाइस थिकनेस आप वेरिएबल हो सकते हैं, उन मशीनों में स्लाइस थिकनेस आप वेरी कर सकते हैं, जिसे फिक्स होगा तो स्लाइस डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। अब स्कैनिंग टाइम इंप्रूव करने लगे, अब 0.25 सेकंड में भी आपके बिल्कुल एक स्लाइस कम आ जाती थी बिल्कुल। तो ये थोड़ी हिस्ट्री है, अब 1998 से इस पर काम शुरू हुआ और आज तो 256, 320, जिससे देखिए कितना ही हो जाते हैं। जो 392 वगैरह जो सिस्टम है बेसिकली वो 190 के ऊपर के सिस्टम से इनटू दो डुअल सोर्स वाले हैं। फिर जो मैं कह रहा था स्लाइस की जो रोज एडिटर का साइज है वो कुछ में यूनिफॉर्म है, कुछ में वेरिएबल है, उससे अलग अलग सीमेंस जोशीबा तोशीबा तीनों के अलग अलग टेक्नोलॉजी है। एक ही ओवरव्यू है, मान लेकर बाद में कभी किसी को जरूरत पड़ेगा तो ये ओवरव्यू फर्स्ट से लेकर 7th जनरेशन का सीटी स्कैन का, इसमें सोर्स और डिटेक्टर का दिया हुआ है। थोड़ा इससे एक इस स्लाइड में नजर मारने से भी ये फर्क पड़ता है कि देखिए टाइम कैसे हमारा सेव होने लगा। जब ये आ रहा था 72 में टाइम सेव कर रहा, और कब से कब शुरू हुआ थी 72 में आपके सिटी स्कैन स्टार्ट हुए, और देखिए 98 तक आते हैं तो मल्टीस्लाइस सिटी स्कैन तक पहुंच गया, पहले 5-5 मिनट लगा करते थे और यहां तक आते आते ही हाफ सेकेंड में आपकी इमेजिंग कंप्लीट होने लगी। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन के सीटी स्कैन के हमारे यूज में ज्यादा लोग आप लोग फैमिलियर है, बट क्योंकि ये ऐसी टॉप है जिसमें थोड़ा सा इस पर टच करना जरूरी है। तो सबसे पहले सीटी स्कैन से आया प्लेन सीटी स्कैन जो हेड काउंट करते थे, उसके दो फायदे हुए। भाई इमरजेंसी में अगर पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है तो उसमें इन्फार्क्ट है कि नहीं है, ब्लीड है कि नहीं है, हाइड्रोकेफलस है कि नहीं है, 3 रीजन सबसे इंपॉर्टेंट उस जमाने में उन फर्स्ट जनरेशन हमारे सेक्शन से भी होने लगे थे, सेकेंड से भी होने लगे थे, तो एक्सेसिटी आया। फिर लोगों ने डेवलप किया कि इसमें जो स्ट्रक्चर्स है उनका इनहेरेंट कंट्रास्ट बहुत ज्यादा नहीं। अब लिवर है, लिवर में ट्यूमर आता है, प्लेन में आपने देखा होगा, कहीं पे भी देखा होगा, या ब्रेन में ट्यूमर आता है, तो इनहेरेंट कंट्रास्ट बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स नॉर्मली ज्यादा नहीं होता है। उसको चेंज कैसे किया जाए, कैसे जो है एबनॉर्मल एरियाज को हम हाईलाइट कर सकें, या ब्लड वेसल्स
नहीं समझ में आती है, लिफ नोड्स समझ में नहीं आती है, बगल के स्ट्रक्चर समझ में आती है, उसको कैसे हाईलाइट करें कि ब्लड वेसल अलग दिखने लगे और रेस्ट ऑफ टिश्यू अलग दिखने लगे। या बावल है, बावल समझ में आता है कि उसमें कब लिफ नोड है, कब मास है, कब कहाँ है, कब उसमें आ गया है, तो उसके बावल के अंदर कुछ कंट्रास्ट डाले। तो ये सब टेक्टिक्स जिसमें हम कंट्रास्ट, इनहेरेंट कंट्रास्ट को इम्प्रूव करते हैं, वो है कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन। मोस्ट ऑफ द टाइम आईवी कंट्रास्ट की बात ही होती है, कई जगह आप ओरल कंट्रास्ट चाहिए हो, तो ये नॉर्मल एब्डोमिनल स्ट्रक्चर में काम आते हैं। इनके एप्लीकेशन से पहले तो कंट्रास्ट और सीटी स्कैन ही चलता रहा, जब तक स्पाइरल सीटी स्कैन का ट्रेंड नहीं आया था, तो सी एक एक्सीसीटी कर लिया, एक सीसीटी कर लिया, हमारा काम खत्म हो गया। जब स्पाइरल ने आपको दिया कि आप अलग अलग फेस में अलग अलग इमेजिंग कर सकते हैं, चाहे तो आरटीएल फेस की इमेजिंग एक्वायर कर लीजिए, चाहे बोर्डर मिरर फेस की एक्वायर कर लीजिए, चाहे और इक्विलिब्रियम फेस की एक्वायर कर लीजिए जिसमें पार्टी मिरर फेस हो या और डिलेट फेस हो, तो पता चला कि कई सारे ऐसे लीजन है जो अलग अलग फेज में अलग अलग बिहेव करते हैं। यानी कुछ लीजन ऐसे हैं जो आर्टेरियल फेज में एनहांस करेंगे, कुछ वोटर विनस फेज में एनहांस करेंगे, कुछ बहुत डिलेट फेज में एनहांस करेंगे। यानी सिर्फ हम सिर्फ अलग अलग फेज अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो तो हम बता सकते हैं कि ये जैसे अर्ली फेज क्या हेपाटिक एससीसी है, अर्ली फेज में एनहांस करके ज्यादातर मेटास्टेसिस वगैरह है वो हो सकता है वोटर विनस फेज में एनहांस करके, या अगर डिलेट फेज है तो इमेजिंग डिलेट फेज में आते हैं, तो लीजन राउंडेड ही दिख रहा है, सेगमेंट फोर में दिख रहा है, बट क्योंकि आपके पास तीन अलग अलग फेज की डाटा इन्फॉर्मेशन है तो आपने करेक्टराइज करके बिना बायोप्सी के लीजन क्या हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा ब्रांच है इसका। सबसे पहले उसका जो टर्म इस्तेमाल हुआ इस चीज को कि ट्रिपल फेस सीटी स्कैन कर लिए, लिवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमें जो दिक्कत आती है पैंक्रियाज में बहुत दिक्कत आती है, तो पैंक्रियाज वगैरह में भी कहाँ लीजन है, कहाँ पैंक्रियाज नॉर्मल है, प्रिसाइड करने दिक्कत होता है, इस जगह पे हम मल्टीफेसिक सीटी स्कैन काफी इस्तेमाल करते हैं। फिर इस्तेमाल आया कि भाई आईवीपी वगैरह के बाद उसको रिप्लेस करने का हुआ कि सीटी से रिप्लेस कर दीजिए, पहले सीटी में किडनी और उसके ट्यूमर और स्टोन वगैरह ब्रेन पे स्टोन ढूंढना शुरू किया, फिर हुआ कि भाई सीटीग्राफी कर लीजिए, पहले रिनल फेज में करिए एक्सेसरी फेज में, फिर डिलेट फेज में कर लीजिए, तो आईपी के पूरे एक इमेज बना लीजिए आप, सीटीग्राफी में मल्टी फेज इस्तेमाल हुआ, और सीटी एंजियोग्राफी में क्या एंजियोग्राफी वाला आर्टियल फेज ले लीजिए या विनस फेज भी ले लीजिए। तो जैसे मैंने बताया था ट्रिपल फेज सीटी स्कैन, इसमें आप सबसे इनिशियली एक्वायर करते हैं, यानी 20 से 30 सेकंड के अंदर अगर एक्वायर कर लिया तो आरटीएल फेज की मिल गई, 35 सेकंड के बाद अगर आप एक्वायर कर रहे हैं 40-50 सेकंड तक, तो आपको पोर्टल विनस फेज एक्वायर करके, इसमें अलग अलग लीजन अलग अलग बिहेव करते हैं। आपका ये मोटी मोटी कैटेगरी है, तीन या चार टाइप की कैटेगरी ऑफ डिजीज है जो अलग अलग डिसाइड हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर लिवर ट्यूमर्स में। और थर्ड पास आया हेपेटिक विनस फेज आ गया, जब उसके बाद वो आया लेट आया तो 60 सेकंड के बाद से आ गया, तो यहाँ पे भी जैसे दिखाया हुआ है इस आर्टिकल फेज में कोई चीज एनहांस कर गई है, पोर्टल में थोड़ी सी कम होनी शुरू हुई और गायब हो गई, तो बहुत आर्टिकल फेज हमें पता है कि जैसे एससीसी है उसकी ब्लड सप्लाई आर्टिकल टाइप की होती है, आर्टरी से अडाई होता है नॉर्मल लिवर पोर्टल वे से सप्लाई होती है, तो अगर आर्टिकल फेज में कोई एनहांस कर रहा है तो ये एबनॉर्मल वाला लेजन ये एससीसी हो सकता है। ऐसे सीटीग्राफी है कुछ इमेजेस दे रखी है करके, फिर सीटी एंजियोग्राफी भी आ गई। सीटी एंजियोग्राफी जब तक नहीं थी हमारे पास तो हमारा सबसे बेस्ट तरीका क्या डीएसए होता था, इनवेजिव टेक्निक थी, उसमें आपको बिल्कुल आर्टरी के अंदर जाइए और उसके अंदर इंजेक्ट करिए। अब ज्यादातर समझ लीजिए आप लोग भी सब-रेटिनल हेमरेज हुआ करता, उसमें हम लोग का जब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में था तो एसएच हुआ पेशेंट को डीएसए में लाना लगा, अब डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफ्स कम हो गए, उसमें कॉम्प्लिकेशन भी होती थी, हमारे सामने भी कॉम्प्लिकेशन की डायग्नोस्टिक के लिए पेशेंट आया हुआ उसमें उसको कॉम्प्लिकेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन तो ठीक है पर कॉम्प्लिकेशन भी साथ में आ गए। अब सीटी एंजियोग्राफी आ गई, अब एक रूल बन गया है एब्डोमेन में और ब्रेन में कि पेशेंट अगर आया ब्लीड का पेशेंट आया है सबराइन हेमरेज हो चाहे जीआई ब्लीड हो तो पहले सीटी एंजियोग्राफी करा लीजिए, डायग्नोस्टिक का काम और प्लानिंग का काम उसमें कंप्लीट हो जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है। आपने कभी आर्टरी में गए नहीं, इंजेक्शन वैसे ही वेन में किया और आप सीटी एंजियोग्राफी, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये, वही जो जिसने दोनों चीज देखी हुई हो उसी को समझ सकता है कि सीटी एंजियोग्राफी क्या डेवलपमेंट है। हर पेशेंट पहले जीआई ब्लीड में लग गया, जीआई ब्लीड हमारे यहाँ जीआई में किया है, जीआई ब्लीड लग गया आपको कुछ पता ही नहीं लगता पेशेंट को आया था साथ तो ब्लीड कर रहा है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है या आपने कोलोनोस्कोपी में देख लिया है या अपर जीआई एंडोस्कोपी में ब्लीड कर रहा है, अब आपको पता नहीं किस आर्टरी सिस्टम से क्या हुआ, लगे हुए पूरा एक एक आर्टरी चेक कर रहे हैं, और यूजली नेगेटिव बहुत ज्यादा आते थे, एब्डोमेन में तीन आर्टरीज कवर करना, उसकी छोटे छोटे ब्रांचेस कवर करना और निकालना 3-4 घंटे का प्रोसीजर होता था, अक्सर नेगेटिव आया था। अब हमारे बहुत इंप्रूव कर गया ऑप्शन, अब सीटी एंजियोग्राफी में मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिजीज ढूंढ लेते हैं,
दूसरा मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम डिजीज सीखते हैं जो हमें नहीं मिलती है तो हम उसको बेहतर नहीं ढूंढ पाते, पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं होता, मूवमेंट कर रहा होता है, तो इट इज अ बिग एडवांसमेंट। अब आपने सीटी एंजियोग्राफी में देख लिया तो आप स्टूडेंट जो है आपको आरटीएल सिस्टम पता है, उसकी ब्रांच पता है, साइज पता है, कैथेटर कौन सा जाना है, उसमें कॉइल कौन सा चाहिए, सब कुछ पहले प्लानिंग हो गया। आधे घंटे से एक घंटे के अंदर आपका जीएमबी का प्रोसेस फिनिश हो जाता है। डायग्नोस्टिक में लगते थे 3 घंटे, रिजल्ट आता था नेगेटिव। अब फुल प्रोसीजर करना आसान हो गया, जाइए सब कुछ पहले से पता है, कॉइल का साइज पता है, सब कुछ पता है, फट से खुलना शुरू करिए, पंचर करिए, सीधे उस ब्रांच पर बगल वगल कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर नहीं है एक्यूट इवेंट नहीं है, पेशेंट परेशान है, उसका डॉक्टर परेशान है। अब कार्डियक सीटी करा के मोटा मोटा रिस्क असेसमेंट कर लीजिए, रिस्क बहुत लो रिस्क है तो फिर उसको गाइडेंस कर दिए, ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, कुछ ड्रग्स पे छोड़ दीजिए, इंटरमीडिएट भी चाहिए अगर आपको लगता है नहीं अभी तो बहुत ज्यादा नहीं होगा कुछ ना, वही भी छोड़ दीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ड्रग पे हाई रिस्क लग रहा है उसको ले कार्डियक। तो ज्यादातर आपको पता ही कि कार्डियक इवेंट में लगभग एक एज के बाद काफी हाई परसेंटेज में या पेशेंट्स में हम लोग पॉपुलेशन में डिजीज है, तो सबका हमें कार्डियक एंजियोग्राफी करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत एडवांस है। तो मेन मैंने बताया ब्रेन में, जीआई में और उसमें कार्डियक में इसका इंपॉर्टेंस हो गया। तो चाहे क्लॉट्स देखना हो या एनुरिज्म देखना हो, ये वास्कुलर मालफॉर्मेशंस है, इंजरी हो, आरटी वगैरह के बहुत केसेस आजकल हमारे पास ट्रॉमा सेंटर है, आरटी बहुत पेशेंट आते हैं जिसमें उसके लिए था सीटी एंजियोग्राफी हम लोग कराते हैं या फिर उसके जो एज रिक्वायर्ड है उसको वो करते हैं। ट्यूमर्स में हो गया, फिर जस्ट टच करेंगे मेरे ख्याल से टाइम हो रहा होगा सीटी परफ्यूजन इमेजिंग। तो परफ्यूजन इमेजिंग और एंजियोग्राफी में फर्क क्या है, बस एक ही स्ट्रेस करना चाहेंगे, सीटी एंजियोग्राफी में स्टडी ऑफ वेसल्स, जब कंट्रास्ट वेसल्स के अंदर है तो देखना है आपको, आर्टियल एंजियोग्राफी आर्टरीज देखनी है तो आर्टियल फेस से में देखना है, इससे पहले कि वो आ जाए वीनस है तो वीनस फेस देखना। परफ्यूजन इसके बीच का फेस, यानी आर्टरी से निकल के ब्लड पहुंच गया टिश्यू में और वहां से निकल के अभी वेन में नहीं पहुंचा, लगभग कैपिलरी बेड में, कहने का मतलब कैपिलरी बेड या टिश्यू टिश्यूज में, वहां की जब इमेजिंग हो रही है कंट्रास्ट में तो आप सीटी परफ्यूजन इमेजिंग करते हैं, ठीक है। परफ्यूजन का मतलब उसमें कितना ब्लड है, उसके पैरामीटर्स होते हैं सेरेब्रल ब्लड फ्लो, फ्लो वहां पे टिश्यू में कितना ब्लड फ्लो कर रहा है, वॉल्यूम वहां के टिश्यू में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, और आर्टरी से वीनस के बीच में यानी जो कैपिलरी फेज है उसका जो ट्रांजिट टाइम है, मीन ट्रांजिट टाइम कितना, ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यूजली निकालते आते हैं। तो ये तो इट इज द बस इसमें आपको बस ये याद रखिए कि इट इज परफ्यूजन ऑफ टिश्यू वास्कुलरिटी। दूसरा टेक्निक में क्या फर्क है इसमें, क्योंकि रेडिएशन हाई डोज होता है हमारे पास सीटी स्कैन में, हम एक लिमिटेड जो टिश्यू है उसी पे एक्वायर करते परफ्यूजन, हम पूरे यहां से यहां तक आज आप फेफड़ा से लेके यहाँ तक का प्रोसेस नहीं करते, जहाँ तक जो टिश्यू में मतलब का नहीं है तो सारी वेसल से स्कल बेस के लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक के लीजिए इसको देखना है। इसमें भी डिपेंडिंग ऑन योर जो स्कैनर है 64 सीटी स्कैन है तो 4 सेंटीमीटर का आपको मार्जिन मिलेगा और उससे कम है और भी कम छोटा होगा उतने ही एरिया का परफ्यूजन स्कैन एक्वायर कर सकते हैं। उससे अगर आप जल्दी से शुरू करेंगे तो आर्टियल फेज आ चुका होगा, थोड़ा लेट तक चले जाएंगे तो वीनस फेज आ जाएगा, तो दोनों फेज वेसल्स के हैं टिश्यू के नहीं है, टिश्यू का बिल्कुल छोटा सा मिलेगा, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है पहले। अगर आप स्ट्रोक देखना चाहते हैं तो हमारे सबसे कंसर्न का एरिया होता है इंटरसर्विबल आर्टरी टच, तो एमसी टच के सिलियन फिशर के आसपास का रख के 4 सेंटीमीटर आप थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे के एरिया को वही आप कॉल करेंगे। ट्यूमर करना है आपको पहले ही पता ट्यूमर कहाँ पे, तो उसके 4 सेंटीमीटर के एरिया पर एमआर में लीवे ज्यादा है, एमआर में आप थोड़ा बड़ा एरिया ले सकते हैं, पर सीटी स्कैन में तुरंत आपके जो एमडी सीटी है जो मैं आपको अगर पता है कि मेरे पास इतने रोग है इतनी हमारी स्पीड रहेगी एंट्री की तो आप उससे कैलकुलेट करके 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं पड़ता। तो दो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम सीटी एंजियोग्राफी जो समझने की बात है। तो ये बाकी टेक्निकल डिटेल्स हो गए। तो सबसे बड़ा इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, स्ट्रोक, स्ट्रोक में मेरे पास एक इमेज भी है मेरे पास, तो जैसे ये देखिए ये प्लेन सीटी स्कैन हो गया, थोड़ा सा एक हल्की से हाइपरटेंसिटी आने लगी है इसमें, वैसे तो थोड़ा सा रिलेटेड ये सही है, हल्की से हाइपरटेंसिटी स्टफ आ रही है। अब इसका असर देखिए,
ये रही हमारी सिटी परफ्यूजन की इमेज। तो आप ये ग्रे स्केल पे वही परफ्यूजन डाटा है, ये जो कलर्ड मैप्स है उसके, यहाँ देखिएगा जो यहाँ पे हल्का सा एरिया वो था आपका ग्रेश हल्का सा था, वो कितना बढ़िया से आपको क्लियर कट डीप पर्पल दिख रहा है। तो इसको कहते हैं कोर, इनफार्क्ट कोर। इनफार्क्ट कोर तो इनफार्क्ट हो गया, उससे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम उसका, उसको ऐसा ब्रेन में अगर इनफार्क्ट हो गया एरिया का, उसको आप लोग सेल्स को जिंदा नहीं कर सकते जो सेल्स मरे। पर कुछ एरिया ऐसे होते हैं सेल्स के जो मरे तो नहीं है पर लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। सबसे पहले चोट लगती है क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। बहुत सीवियर चोट लगेगी तो डेथ हो जाएगी। तो जिसकी सीवियर लगी चोट जिन सेल्स को, वो तो डेथ हो गए। जिनको कम लगी ये भी चोट, वो लॉस ऑफ फंक्शन होता है उनका। तो ये एरिया है पेनिम्ब्रा का, उसके बगल के जो लाइट ब्लू है इसी के एरिया में चेक कर लेते हैं। अगर ऐसा एरिया है जिसका लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है, यानी डेथ नहीं हुई है, अगर ऐसा एरिया है उसको ब्लड हम थोड़ा सा और बढ़ा दें अगर उसका, तो वो ठीक ठाक काम करने लगेगा। तो हम देखते हैं परफ्यूजन का एरिया अगर बड़ा है उसको हम एक्टिवली मैनेज करेंगे, चाहे आईवी थ्रोम्बोलिसिस करें, चाहे इंट्रा आर्टेरियल थ्रोम्बो मैकेनिकल थ्रोम्बस निकालें उसका, या उसको टेट्राडाक्टल थ्रोम्बोलिसिस करें। तो ये हमें एक्टिव इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी, इसमें आप उस मरीज के लिए हेल्प कर सकते हैं। इस डिसीजन को लिया जा सकता है, सीटी परफ्यूजन भी लिया जा सकता है। तो ये आपके एडवांसमेंट है। पहले आपको पता ही चलता था भाई इनफार्क्ट, या तो कुछ दिख नहीं रहा है, दिख रहा था हल्का सा ग्रे दिख रहा है। अब कितना बड़ा इनफार्क्ट है, इसमें इंटरवीन करने का फायदा है कि नहीं है, ये बहुत दिक्कत होती थी। ये कि रफ कैलकुलेशन ही करते थे हम लोग। अब एक्यूरेटली अगर किसी में डाउट है कुछ है और आपका बिल्कुल सिस्टम रेडी है, क्योंकि आप करना बहुत टाइम 6 घंटे 8 घंटे के अंदर यूज करना होता है, तो आप ये सब चीजें एक्वायर कर सकते हैं। दूसरी जो इसकी इमेजिंग आ रही है वो है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में जैसे पहली बार तो समझ में आया कि क्योंकि टाइम का मतलब था, इसलिए परफ्यूजन इमेजिंग जिसमें आपको फर्स्ट पास बता देगा। ऑन्कोलॉजी इमेजिंग में ये फायदा है कि आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे आ गए हैं जिसमें तुरंत साइज ऑफ ट्यूमर रिड्यूस नहीं होता है। अब ट्यूमर का साइज रिड्यूस नहीं हुआ तो आपको पता नहीं चलता है कि वो ट्यूमर रिस्पॉन्स हमारे दवाई से करना ही नहीं कर रहा है। दवाई का आपने एक कोर्स पूरा ले लिया, 7 दिन दवाई चल गई, मुथरे में चल गई या एक दिन पूरी चल गई, और नाउ यू आर वेटिंग कि भाई रिस्पॉन्स हुआ नहीं हुआ। तो पहले क्या था, पहले 2 मिनट 3 मिनट वेट कर लीजिए, साइज कम नहीं हुआ तो आप ना ही दवाई चलाएंगे। अब हमारा सीटी परफ्यूजन टेक्निक है जिसमें टिश्यू के अंदर वेसल्स को आप देख सकते हैं कि उसके अंदर वास्कुलरिटी बची है कि नहीं बची है। ये माना जाता है कि हर जो ट्यूमर होता है, मेलिनेंट ट्यूमर होता है, वो वास्कुलरिटी बढ़ा लेता है, न्यू एंजियोजेनेसिस कर लेता है, वास्कुलरिटी बढ़ा लेता है। तो जिस ट्यूमर में वास्कुलरिटी कम हो गई है, यानी वो आगे ग्रो कब करेगा, वो रेस्पॉन्स टू ट्यूमर है उसमें। इसीलिए सीटी परफ्यूजन अब ऑन्कोलॉजी इमेजिंग में काफी आने लगा है। केस में जैसे दिखाया हुआ है ट्यूमर है, उसको कितना अपटेक कर रहा है, ये सब आपको आइडिया लग जाता है इससे पेरिफेरी में कैसा है। और एक लास्ट टॉपिक, थोड़ा सा डुअल एनर्जी सीटी स्कैन भी कर लेंगे। तो डुअल एनर्जी सीटी स्कैन और सीटी स्कैन में पहले तो फर्क क्या है, तो पहले तो ये बात आई, इसमें भी हमें जो हाउसफील्ड साहब हैं उनका बड़ा वो करना पड़ेगा कि ये जो डुअल एनर्जी सीटी कल्पना थी उन्होंने तभी कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। जो उसको बनाने बनाने में हमें लगे 35 साल लग गए, उसकी कल्पना उन्होंने उसी वक्त कर ली थी। उन्होंने कहा था कि अगर जो टिश्यू है उसको दो अलग अलग एनर्जी पे एक्स-रे बीम दी जाए, तो दोनों के एनर्जी के जो बाद में एटेन्यूएशन होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। हमें पता है कि एक्स-रे या सीटी स्कैन जो सिस्टम है, तो बॉडी जितना एक्स-रे रोकती है, एटेन्यूएट करती है, उसी पर डिपेंड करता है हमारा कि हल कौन सी चीज है। जैसे हमारा लंग है, एक्सरे दिया वो बहुत कम एटेन्यूएट करेगा, हमारी इमेज अगर देखते हैं तो ब्लैक बन गई मान लीजिए। बोन बहुत ज्यादा एटेन्यूएट करेगी, रोकेगी, उसकी इमेज वाइट बनती है। एक्सरे में भी हम इजी होती है, बट हम ऑपरेट करते हैं एक ही इलेक्ट्रिसिटी पे, एक ही एनर्जी लेवल पे। एक एनर्जी हमने एक्सरे 1 केवी दे दिया उसको, मान लीजिए 80 केवी दे दिया, 65 केवी दे दिया, 1 केवी दे दिया, और जो रिजल्ट आया वो मोनोक्रोमेटिक बीम के नहीं। हमने कह तो रहे हैं कि 80 केवी भी है, 65 केवी भी है, पर उसपे सारी एनर्जी, सारी एक्सरे 65 पे नहीं होते। कुछ एक्सरे उसके ज्यादा एनर्जी पे होते हैं, कुछ उसके कम पे एनर्जी पे होते हैं, यानी बीम आपकी पॉलीक्रोमेटिक होती है। तो रिजल्ट जो होता है मैथमेटिकली कंप्यूट नहीं हो सकता, वो एनालॉग टाइप का रिजल्ट कंप्यूट होगा, मैथमेटिकली उसका अलग अलग कैलकुलेशन मुश्किल है। डुअल एनर्जी ने क्या किया, इसने ये कहा कि भाई दो अलग अलग एनर्जी पे आप ऑपरेट करिए,
टाइम कम रखिए आपस में गैप, तुरंत पहले 140 कर लिया है, अगली बार 180, 180 कर, 80 पे कर लिया, उससे क्या तो फिजियोलॉजिकल जो हमारी बॉडी का मोशन है वो नहीं होगा, ना तो हमारा ब्रीथिंग मूवमेंट होगा, ना हमारा बॉडी का मूवमेंट होगा, और बाकी और भी कई तरह की सेलुलर लेवल में फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स हो जाते हैं, ब्लड मूव कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपका बाकी एनाटॉमी स्थिर कर दी बिल्कुल, वो कॉन्स्टेंट कर दी आपने, एनर्जी आपने अलग अलग लगाई एक से ट्यूब की, जैसे फॉर सपोज 80 kPa और 140 kPa, क्योंकि टिश्यू आपका बना हुआ है अलग अलग चीजों का, यानी जैसे मेन टिश्यू जो बनता है किसमें होता है, वाटर मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया आपका, जो कार्बन के कंपाउंड से कार्बन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कुछ कंपाउंड में आपके कैल्शियम है जैसे बोन्स है उसमें कैल्शियम है, और कुछ हम जैसे कंट्रास्ट देते हैं आईवी कंट्रास्ट, जैसे आयोडीनेटेड कंट्रास्ट दिया, तो कहने को अलग अलग 5 से बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं जो अलग अलग उनकी के कैरेक्टरिस्टिक है, यानी वो एब्जॉर्प्शन उनका के जो के है जो उनका वो अलग अलग, तो जो चीज अगर आपकी वो है कि कैल्शियम के पास है एनर्जी, वो कैल्शियम तब उसको ज्यादा, के जिसका कैल्शियम के पास है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, आपने एनर्जी वैसे ही ऑपरेट करी तो आप पता चलेगा कैल्शियम ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उस वक्त वाटर वाली चीजें कम एब्जॉर्ब कर रही होगी, अगर वाटर के पास रखा आपने तो वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कैल्शियम अलग करेगा, तो इससे मेटीरियल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, द थिंग इज आप मेटीरियल अलग अलग पहचान पाएंगे, सिर्फ एनाटॉमिकल इमेज ही नहीं बनी, मॉर्फोलॉजी नहीं आएगी, आप साथ साथ उसमें मेटीरियल्स भी बता सकते हैं कि इसमें आयोडीन है सब, यानी ब्लड वेसल में आयोडीन है, हमने वेसल में डाला अभी ब्लड वेसल में है, तो हाँ ब्लड वेसल आयोडीन की वजह से पहचान में आ जाएगा, अगर आपका कैल्शियम है मान लीजिए कोई कैल्सिफाइड प्लाक है वहां पर कैल्शियम की वजह से दिख जाएगा, और बाकी जगह एरिया में सॉफ्ट टिश्यू है जिसमें वाटर और उसकी डस्टिंग पास है वो अलग दिख जाएंगे, तो मेटीरियल डिकम्पोजिशन का जो चीज है वो सिर्फ ड्यूअल एनालिसिस स्कैन से हो सकता है, द प्रिंसिपल डिफरेंट मटेरियल शो डिफरेंट एटेन्यूएशन एट वेरिंग एनर्जी लेवल्स एंड दिस डिफरेंस इन एटेन्यूएशन कैन बी यूज्ड फॉर टिश्यू कैरेक्टराइजेशन, इसके तीन टाइप्स ऑफ मेजर है कमर्शियल लेवल पर, डुअल सोर्स डुअल एनर्जी सीटी स्कैन है, सिंगल सोर्स डुअल एनर्जी सीटी स्कैन है, डुअल सोर्स यूजुअली सीमेंस के पास है वो दो एक्सरे ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, बाकी जैसे जी वगैरह हो गए वो सिंगल सोर्स इस्तेमाल करते हैं, दे ऑपरेटेड टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, 140 kPa उनके बाद ऑन होगी और एक बार 80 kPa ऑन होगी, जो नए कुछ लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं सिंगल सोर्स डुअल एनर्जी स्पेक्ट्रम, एक्सरे बीम तो वही होगी पॉलीक्रोमेटिक, बट हम जब ब्रॉडिस निकल के नीचे पहुंचेगी तो उसके अलग अलग लेयर ऑफ डिटेक्टर्स होंगे, कुछ लो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे, कुछ हाई एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे, और दोनों से हम इन्फॉर्मेशन लेके उसको मैथमेटिकली कंप्लीट कर लेंगे, जिसे स्पेक्ट्रा सीटी स्कैन नाम देने लगे, तो जैसे डुअल सोर्स डीसीटी है आपका, देख रहे हैं ये दो एक्सरे ट्यूब है, ये 80 to 100 kPa पर ऑब्जॉर्व करती है, इसके जब ये वो करती है तो इसके साथ ये वाला कपल्ड है डिटेक्टर, तो जनरेशन वन है और जनरेशन टू इसकी डिसाइडेड है कि एक में स्मॉलर जो डिटेक्टर सिस्टम है वो अंदर लगा हुआ है और वो लोअर एनर्जी भी ऑब्जॉर्व करता है, एक में स्मॉलर जो सिस्टम है वो हायर एनर्जी भी ऑब्जॉर्व करता है, ये दूसरा एक्सरे ट्यूब है, ये इसके डिटेक्टर ये लगा हुआ कपल्ड इससे ये और ये अक्वायर कर रहा है, इस बॉडी पार्ट को एक बार इसने अक्वायर किया एक बार इसने अक्वायर किया, लगभग बिल्कुल बहुत फास्ट फास्ट अक्वायर किया, तो डाटा सेट बाद में उसको कंप्यूट कर लिया, दूसरा यही ट्यूब है जो एक बार लो एनर्जी 80 kPa भी दे रही है और एक बार हाई एनर्जी भी दे रही है, ये सिंगल सोर्स डुअल एनर्जी सीटी स्कैनर, और ये थर्ड स्कैनर है, इसमें एक्सरे बीम तो एक ही है, इसको इक्वेशन लो एनर्जी के लिए एक अलग डिटेक्टर लगा दिया और हाई एनर्जी के लिए अलग डिटेक्टर लगा दिया, ये मोड कवरी हो गया। इसमें सिर्फ डिसएडवांटेज डुअल सोर्स डीसीटी का है कि दोनों ट्यूब हमें थ्योरेटिकली अलग अलग है, बट देखिए कितने पास पास में है, जो बॉडी उसमें देखिए कुछ रेडिएशन इसका इस पे अब्सॉर्ब होगा, कुछ इसका वाले का इस पे हिट करेगा, तो दिस क्रॉस स्कैटर्ड रेडिएशन व्हिच पार्शियली हिट्स द नॉन कॉरस्पोंडिंग ऑर्थोगोनल डिटेक्टर एंड यू हैव टू करेक्ट फॉर देम। फर्स्ट जनरेशन में X-rays are generated by two X-ray tubes which are kept at 90 degree angle to each other in same direction operating at different kPa. और ये first generation में था, इसमें जो high energy tube थी वो 120 140 का बना थी, it was coupled to the larger detector और इसका FOB 50 cm होता था। Low energy tube है, इसका देखा FOB 26 cm। अभी ये आपका size पे भी ये boundation आ गया, जब low 26 cm maximum कर रहा है तो anatomy इससे नीचे छोटी होगी तभी वो cover हो पाएगी। लो एनर्जी केवीपी 80 to 100 पे ऑपरेट करता था, स्मॉल डिटेक्टर से कपल्ड होता था। सेकेंड जनरेशन में
जो लोअर एनर्जी को लार्जर से डिटेक्टर से पेयर कर दिया गया और स्मॉलर डिटेक्टर का साइज थोड़ा बढ़ा दिया गया, 33 सेंटीमीटर कर दिया गया और इससे हायर एनर्जी ट्यूब कपल कर दी गई। और एक चीज और लाई गई, सिलेक्टिव फोटॉन शील्ड टिन फिल्टर कराया, इससे जो सेपरेशन है मटेरियल का बेटर हो गया। तो एक इन्होंने बेटर किया, हायर एनर्जी ट्यूब हैज अ सिलेक्टिव फोटॉन शील्ड। फिर है सिंगल सोर्स डुअल एनर्जी सीटी स्कैन। तो ये जैसे मैंने बताया, इसमें एक और चीज जो ध्यान रखने की बात है कि दोनों जो एक्सपोजर जो ट्यूब है वो अलग बराबर बराबर है ऑन नहीं रहती, एक थोड़ी देर लंबा ऑन रहती है, जो आपकी इसमें है जो 80 kP यानी जो लोअर एनर्जी है वो ज्यादा देर तक ऑन रहेगी, और जो दूसरी वाली है जो हायर एनर्जी ऑपरेट होगी थोड़ी कम देर तक ऑपरेट वो ऑन रहती है। इसके साथ आपको जो इतनी फास्ट, एक अगर फिजिक्स आपको पुरानी याद हो, एक्सरे सिस्टम जब हम ऑन करते हैं और सामने सिंटिलेशन क्रिस्टल होता है उसमें सिंटिलेशन ग्लो तो करेगा थोड़ी देर, पर ऑफ करने के तुरंत बाद ऑफ नहीं होता, देयर इज सम आफ्टर ग्लो। एक्सरे ऑन चलाया, सिंटिलेशन क्रिस्टल पे एक्सरे पड़ा, उसमें लाइट एमिट हुई, उस लाइट को आप कैप्चर करेंगे, लेकिन वो तुरंत आपके ऑफ करते ही साइमल्टेनियसली ऑफ नहीं होता, कुछ देर तक उसमें परसिस्टेंस ऑफ ग्लो रहती है, कुछ देर तक लाइट एक्स्ट्रा निकालता है वो आफ्टर ग्लो। बट जब दो आपको एनर्जी पे ऑपरेट करना है, डेटा सेम है, तो आपको चाहिए पहले बार तो जैसे ही आपने एक्सरे ऑन किया 150 वाला, जैसे ही ऑफ किया वाला ऑफ हो जाना चाहिए, और फिर दूसरा तब आप ऑपरेट कर सकते हैं 80 वाला। अगर पहले वाला ही का ही ग्लो अभी ऑन है तो ये जो डाल रहा है ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ गए? तो इस पर मिक्सिंग ऑफ रिजल्ट हो रहा है। इसका एक एक तरीके से कर सकते हैं, जो बिल्कुल फास्ट आपका डिटेक्टर सिस्टम ही फास्ट हो। तो ये जी वाले लाए थे, जेमस्टोन डिटेक्टर सिस्टम, इसमें डिटेक्टर में इनका चेंज हो गया, जो बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं उससे एक अलग गार्नेट से बना हुआ एक इस्तेमाल करते हैं जेमस्टोन डिटेक्टर। इनका डिटेक्टर थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स करता है, जैसे ही ऑन किया एक्सरे ऑन हुआ और तुरंत ऑफ किया ऑफ भी हुआ, आफ्टर ग्लो कम। इनमें डिटेक्टर सिस्टम में भी थोड़ा एडवांस होता है। फिर जो मैंने बताया डाटा जो सिस्टम है, एक तो आप उसमें मॉर्फोलॉजिकल इमेज अक्वायर करते हैं, दूसरा मेटेरियल स्पेसिफिक इमेज अक्वायर करते हैं। मेटेरियल स्पेसिफिक इमेज को आप, कुछ लोगों की टेक्निक अलग अलग, दो तरह की मेन मेन टेक्निक अवेलेबल है, या तो डाटा को इमेज बनाने के बाद आप प्रोसेस करिए जिसको कहते हैं इमेज डोमेन डिकम्पोजिशन, या डाटा अभी जो रॉ डाटा है जिसमें नंबर्स में है, बाइनरी डिजिट्स में है, डिजिटल नंबर्स में है, तभी आप उसको प्रोसेस कर लीजिए, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन स्पेस का डिकम्पोजिशन। और इसको डिस्प्ले आप भी दो तरीके से कर सकते हैं, मेटेरियल डिस्प्ले एक जो कि बहुत यूजफुल है, दूसरी है एक और मोनो आइडेंटिटी डिस्प्ले, थोड़ा बात करेंगे आगे। मटेरियल डिस्प्ले में क्या कहा, या तो आयोडीन मैप बना लीजिए उसका, या वाटर मैप बना लीजिए। वाटर मैप बनाते हैं इसके लिए तो आप बिल्कुल प्लेन सीटी स्कैन जैसे लगता है, आपको प्लेन सीटी अलग से एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आयोडीन डेंसिटी डिस्प्ले आता है तो जो चाहे उसमें कैल्शियम है चाहे ब्लड है, कई बार आपने देखा होगा पहले से ब्लड पड़ा हुआ है और वहाँ कंट्रास्ट भी, आपने अभी कंट्रास्ट नया लीक कर रहा है कि पुराना वाला ब्लड है, कुछ पता चलता है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आयोडीन मैप जब आप क्रिएट करते हैं तो ब्लड हो चाहे कैल्शियम हो वो ब्लैक ज्यादा हाईलाइट नहीं होगा, हाईलाइट वही चीज होगा जिसमें आयोडीन है। इसमें प्योरली एटेन्यूएशन मतलब नहीं है, इसमें मटेरियल से भी मतलब है। मटेरियल अगर आयोडीन वाला है तो उसका केएच जैसे मैचिंग करेगा, आयोडीन वाला मैप हमने ऑन कर दिया तो सिर्फ आयोडीन जहां है वही बाइक होगा, वहां ऑलरेडी ब्लड प्रेजेंट है या ऑलरेडी कैल्शियम है उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका फायदा क्या होता है, एक होता है जैसे सबसे बड़ा फायदा होता है रीनल सिस्ट, रीनल सिस्ट की जो हमारे कैंसर की स्टेजिंग है उसमें अगर हेमरेजिक सिस्ट है तो वो थोड़ा अलग मान जाती है और उसके भी खतरनाक माना जाता है, उसकी कंट्रास्ट एनहांसमेंट आती है। अब हेमरेजिक सिस्ट है उसमें कंट्रास्ट एनहांसमेंट डिटेक्ट करना समझ लीजिए कितना मुश्किल है, सिस्ट की वॉल कितनी पतली होती है और उसमें हेमरेजी अंदर पड़ा हुआ है, अब वॉल में एनहांसमेंट हुआ है कि हेमरेजी है वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आयोडीन मैप ऑन करेंगे तो जहां ब्लड है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भी आयोडीन आ गया वहां पे तो चमक जाए, तो इसलिए रीनल ट्यूमर्स बहुत फायदा होगा इसका। ऐसे ही फायदा हुआ एक, जैसे कल ही परसों हमारे पास केस आया था, मेरे पास रेफरेंस आया सीटी स्कैन एक पेशेंट का है ओवेरियन कैंसर का, उसके लिवर में 2-3 बहुत छोटे छोटे लिजन दिख रहे हैं, वो लिजन जब उसकी कीमोथेरेपी शुरू हुई थी तब भी थे, अब कीमोथेरेपी खत्म हो गई है, बॉडी से उसे बहुत सारे डिजीज थी, पूरी पेरिटोनियम भरा हुआ था, ओवरी मासेस थे, अब सब जगह से डिजीज गायब हो गई, उसके ना ओवरी मास दिख रहा है ना उसकी पेरिटोनियम में इंटर मास दिख रहा है, लेकिन लिवर में 2 लिजन दिख रहा है। उसको सिस्ट बनाना है या ऐसा बनाना है कि ट्यूबर अभी उसका मेटास्टेसिस है उसमें और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ये बहुत मुश्किल है। अगर वहीं पे ड्यूअल एनर्जी सीटी स्कैन हो, आप
लगा दी आयोडीन में, तो छोटे सिस्ट में भी वो कंटास्ट में आंसर पकड़ लेगा। कंटास्ट अगर एनहांस कर रहा है तो वो ट्यूमर है, कंटास्ट अगर नहीं एनहांस कर रहा तो वो सिस्ट है। पेशेंट का आपने बता दिया कि बिल्कुल उसके डाउन स्टेज बिल्कुल हो गया है या रेसिडुअल ट्यूमर बचा हुआ है, ये रीजन आप प्लेन सीटी स्कैन नहीं सकते। बाकी सीटी स्कैन आपका चाहे कितना हो, आपका लेटेस्ट जनरेशन सीटी स्कैन भी है, डुअल एनालिसिस सीटी स्कैन नहीं है, तो ऐसे केसेस आप आंसर नहीं कर सकते। ऐसे केसेस आंसर करने के लिए डुअल एनालिसिस सीटी स्कैन चाहिए। ये इस टाइप की चीजें इन्होंने जैसे दिखाया हुआ है, मास बड़ा हुआ प्लेन में नहीं दिख रहा, आयोडीन मैप ऑन कर दिया, उसके खास कर कलर मैप ऑन कर दिया, बढ़िया है, यहाँ जहाँ आयोडीन है वो बढ़िया एनहांस कर रहा, और लीजन अब कंट्रास्ट करना अच्छा इंप्रूव कर गया। कोलेंजियोकार्सिनोमा का केस आते हैं अक्सर, दिक्कत होती है कि वहां पे कहां ट्यूमर दिख नहीं रहा है और बिलियरी रेटिकल्स डायलेटेड। एक चीज होगी मोनोरेजेटिक डिस्प्ले, तो कई बार आपको ऐसी इमेज प्रोड्यूस करनी पड़ती है जिसमें मोनोरेजेटिक डिस्प्ले का बहुत काम होता है, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। अब मोनोरेजेटिक डिस्प्ले का तो स्पेक्ट्रम कोई भी चुन सकते हैं अपने हिसाब से, हाई एनर्जी डिस्प्ले भी चुन सकते हैं और लो एनर्जी डिस्प्ले भी चुन सकते हैं, या मैचिंग टू द मटेरियल जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसे मोनोरेजेटिक डिस्प्ले चुन लीजिए, तो बहुत ही उसकी बढ़िया कंट्रास्ट के साथ इमेज आ जाती है। जस्ट लास्ट लाइन, वर्चुअल नॉन सिटी इमेज में डिफरेंशिएशन हंड्रेड फ्रॉम आइडेंटिकल कंट्रास्ट। अगर पहले से ही आपको वाइट कोई चीज दिख रही है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कोई ब्लीड था या कुछ कंट्रास्ट आ गया, आप सिंगल सेट ऑफ डाटा डुअल सिटी में अक्वायर करते हैं, आपने वर्चुअल नॉन कंट्रास्ट इमेज अक्वायर कर ली और प्लेन सिटी स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। एब्डोमेन में लीजन कैरेक्टराइजेशन जैसे मैंने बताया, और खासकर तीन ऑर्गन में बहुत ही रूटीनली यूज हो रहा है, लिवर में, किडनी का मैंने एग्जांपल आपको डिटेल में बताया था, और पैंक्रियास में बहुत दिक्कत होती है ट्यूमर ढूंढने में, तो लीजन करेक्टराइजेशन अब तीन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, पर तीन में तो हर जगह कोई भी किताब खोलिए आपको ये यूजर्स मिल जाएंगे। वेसल्स में बोन सिटी एनजीओ में सिंगल क्लिक आप बोन रिमूवल कर सकते हैं, या मेन इंपॉर्टेंस है उसमें जैसे छोटी छोटी आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरी, थोड़ा कैल्शियम आ रहा है, स्टेनोसिस कैलकुलेट करना आपको देखना है, या अभी कुछ दिन पहले पेरिफेरल एंजियोग्राफी सीटी पे करना डिसाइड करना था, हैवीली कैल्सिफाइड है, अब उसको हम बताना है कि वो टोटल ऑक्लूजन है या 99% ऑक्लूजन है। टोटल ऑक्लूजन है तो आप कोई भी ऑप्शन बचा नहीं आपके पास, टोटल ऑक्लूजन है तो ना तो सर्जरी बची उसके पास, ना आपके पास अंदर से बैलून एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग बचे, पर ये डिसीजन बाहर से हो ही सकता। यही मेरे पास अगर ये सॉफ्टवेयर हो ड्यूअल सीटी स्कैन का, उसमें मैं कैल्शियम सब्सक्राइब कर दूं तो थोड़ा सा भी कंट्रास्ट होगा वो पता चल जाएगा, अगर कंट्रास्ट थोड़ा सा भी है तो उसका सर्जरी का भी ऑप्शन बचा हुआ है, और अगर सही सेगमेंट है उसका तो एंडोवास्कुलर ऑपरेशन बचा होता है। ये रीजंस आप नॉर्मल सीटी स्कैन में नहीं कर सकते, वहां कैल्शियम और कंट्रास्ट आपका वो मैनुअल एडिटिंग करनी पड़ती है या थ्रेशोल्ड बेस्ड एडिटिंग करनी पड़ती है, वो गड़बड़ करेगी करेगी। यहाँ से डुअल एनालिसिस सीटी स्कैन जो आयोडीन मैप अलग जनरेट करती है, कैल्शियम से इसको मतलब नहीं है, वही काम करेगी। फिर सीटी स्कैन कार्डियक सीटी सब लोग कर रहे हैं, बट इसमें जो इसको परफ्यूजन इमेजिंग है, इनफार्क्ट है, मायोकार्डियल इनफार्क्ट, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीनल स्टोन्स में आपको डिसाइड करना का है यूरेट क्रिस्टल है तो कई बार रिस्पॉन्स आपको ड्रग्स से निकल जाएगा, नॉन यूरेट है वो नहीं रिस्पॉन्स करेगा, और आप पेशेंट कहता है सर हम दवाई खाना चाहते हैं तो वो आपको बता ही सकते हैं जब तक आपके पास ये डाटा ना हो कि वो यूरेट स्टोन है या कैल्सिफाइड स्टोन, वो किसी और है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह क्रिस्टल है, तो ये डाटा ड्यूअल सीटी स्कैन पे आप वो मैप चला दीजिए तो आपको यूरेट स्पेसिफिक मिल जाएगी उसकी। गाउट में काम आता है, बोन मैरो एडिमा वगैरह में हाल लगा है, और एक है आर्टिफैक्ट रिडक्शन। आर्टिफैक्ट क्योंकि आप मोनोरेजेटिक डिस्प्ले कर सकते हैं, आर्टिफैक्ट इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि आपकी जो बीम है वो पॉलीक्रोमेटिक है, उसमें जो आपकी कुछ एनर्जीज आपके एब्जॉर्ब हो गई है वहां से उसके बगल में आर्टिफैक्ट स्ट्रीक आ जाते हैं। मोनोरेजेटिक आप वो चुन सकते हैं जो पास कर रही है उसके, और उससे आपका स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स या उसके बाद के जो ब्लैक आर्टिफैक्ट आते हैं वो नहीं है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। थैंक यू।